हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम साउथ ईस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहां हम हमारी मेन लीड वो को देखते हैं। जैसे ही वो बस से उतरती है, एक बंदा आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और अपना कुछ स्कूल का सामान दिखाने लगता है, जिसमें उसकी मदद और एक बंदा करने आ जाता है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है, तो वो दोनों बंदे उसे भी पकड़ते हैं कि तभी वो को शक होता है। वो गार्ड्स को बुलाती है तो पता चलता है एक बंदा था जो बिजनेस करने आया था, और ये जो दूसरा बंदा आया था ये एक स्टूडेंट ही था जो बस लड़कियों को देखने के लिए ही आया था। लेकिन वो को लगता है वो भी उस बंदे से मिला हुआ ही था। तभी वहाँ एक और बंदा आता है, इसका नाम गाओ यी यांग होता है, और वो को बताता है कि वो एक स्टूडेंट है। अब वहाँ से जाते वक्त याओ फिर से किसी लड़की की हाई हील्स देखता है, लेकिन वो उस लड़की को देख पाता तब तक में वो जा चुकी थी। जिसके बाद इनकी सभी की एक टीम बनती है और उन्हें एक मरीज को हॉस्पिटल के चैम्बर तक लेकर जाना था, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इस वजह से सभी शांत बैठे थे। जिसके बाद जब सभी अपना सामान लेकर जा रहे थे, तभी हम याओ को देखते हैं जो फिर से लड़कियों के पास आता है उनका बैग पकड़ने के लिए। लेकिन वो तो ये चाहती ही नहीं थी कि कोई भी लड़का उनकी मदद करे, इसीलिए वही सबके बैग उठा लेती है। इसके बाद अपने रूम में आने पर याओ तो रोमांटिक बातें किए जा रहा था, वही लड़कियां भी ओम रूम में आ गई थी जो उन्हें मिला था। वो की रूममेट उससे कहती है उन्हें उनकी जगह सही नहीं लग रही, इसीलिए वो जगह बदलना चाहती है। वो कहती है वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों में एक बंदा गेमर भी था, लेकिन उसकी मॉम उसे बार बार कॉल कर रही थी। यहाँ पर हम गाँव को देखते हैं, जिसे सभी बहुत ज्यादा बातें करते अच्छे नहीं लगते, तो वो सभी से कहता है कि वो सभी टाइम से सोए, टाइम से खाना खाए और सभी से थोड़ी दूरी बनाए रखे। इसके बाद जब वो अकेले खड़ी थी तो वो सोच रही थी आखिर वो सभी फेल क्यों हुए, क्योंकि उसे ये जानना था और प्रोफेसर जू ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है प्रोफेसर जू ने एक टीम सिलेक्ट कर ली थी जिन्हें वो हॉस्पिटल कोई सर्जरी दिखाने ले जाने वाले थे, और वो भी वहाँ जाना चाहती थी। यहाँ हमें शुरू से दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग मरीज को हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसीलिए वो उस जगह जाती है जहाँ से सभी ने ये काम करना शुरू किया था। तभी उसे वहाँ गाँव दिखता है, उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बातें होती हैं, लेकिन हम देख पाते हैं दोनों के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। इसके बाद हम गांव के रूम का सीन देखते हैं, जहां उनमें से जो गेमर था उसने आवाज कुछ ज्यादा ही तेज कर रखी हुई थी, तो गांव उसे आवाज कम करने को कहता है। इसके बाद हम सभी को नहाते हुए देखते हैं, जहां सभी लड़के एक दूसरे को साबुन पास करके नहाते हैं, लेकिन गांव ऐसा नहीं करता। वहीं जब लड़कियां नहा रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई लड़का वहां आ रहा है, तो जैसे ही वो निकलती है वो साबुन की वजह से नीचे गिर जाती है। दरअसल वो यहां सबसे अलग नहाने आई थी जिसका किसी को नहीं पता था। इसके बाद सभी वो से पूछते भी हैं क्या वो कुछ छुपा रही है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देख पाते हैं ऐसा लग रहा था वो कुछ तो छुपा रही है। इसके बाद हम रात को सभी दोस्तों को साथ में देखते हैं, जहां याओ कुछ सभी से कल मॉर्निंग के लिए बात कर रहा था कि उन्हें बाकी लड़कियों के बारे में जानना होगा, लेकिन गाओ कहता है कि वो सभी सो जाएं। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां याओ तो अपने काम में लग जाता है। वो एक लड़की की इंफॉर्मेशन लेता उससे पहले वहां वो आ जाती है, इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाता। साथ में वो अपने दूसरे दोस्त को भी समझाती है कि वो अपना ध्यान रखे। वहीं हम गेमर दोस्त को देखते हैं जो कि अब भी गेम में ही लगा हुआ था, इसीलिए जो डॉक्टर लड़की थी वो उससे उसका फोन ले लेती है क्योंकि उसे उसका चेकअप करना था। वहीं याओ डॉक्टर के पास जाकर कैसे तो एक लड़की के पेपर्स की फोटो खींच ही लेता है और गाओ को दिखाता है। इसके बाद जब वांग को इंजेक्शन लगने वाला था तो याओ उसकी आंखों के आगे अपना हाथ रख देता है और वांग उसे देखने लगती है। वहीं जब डॉक्टर सन का चेकअप कर रही थी तो वो तो बस उस डॉक्टर को ही देखा जा रहा था और वो कहीं खो जाता है। वहीं जैसे ही याओ को वू के पेपर्स की फोटो खींचने का मौका मिलता है वो तुरंत ही खींच लेता है, लेकिन जब वो फोटोज देख रहा था तभी प्रोफेसर जू उसे देख लेते हैं। इसके बाद हम गाओ को बाहर देखते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि उसकी वू के साथ किसी बात पर बहस हो जाती है। तभी वो को किसी की टक्कर लगती है, वो गिरने वाली थी, लेकिन गाओ उसकी टी शर्ट पकड़ लेता है और सभी वो की वीडियो भी बना लेते हैं। वो की सभी दोस्त ये देखती है तो उन्हें बुरा लगता है वो के लिए। क्लास में प्रोफेसर जू गाओ को इसका फोन चेक करने को भी कहते हैं, लेकिन वो चाहती थी वो सबके सामने जाकर उससे माफ़ी मांगे। याओ कहता भी है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है कि तभी वहाँ दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं जिसे वो की एक दोस्त जब देखती है तो उसे वो अच्छे लगने लगते हैं। प्रोफेसर जू भी सभी को बताते हैं वो प्रोफेसर यांग हैं। यहाँ पर प्रोफेसर यांग उसे कोई कारण पूछते हैं गाओ को डांटने का, लेकिन वो यहाँ कहती है वो जो भी हुआ उसकी वजह से ही हुआ है, यहाँ
यहाँ जू फर्स्ट मॉनिटर वू को और सेकेंड मॉनिटर वैन को बनाते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट को व्हाइट कोट्स भी देते हैं, जिन्हें सर्जरी देखने का मौका मिलने वाला था। इसके बाद प्रोफेसर जू डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे मुसीबत के वक्त वो लोगों की हेल्प करते हैं। इसी के साथ क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी को कुछ सामान लेने को जाना था जो कि भारी था, लेकिन वो अपने दोस्त को वापस जाने को कहती है। तो गाँव उससे कहता भी है वो लड़कियों जैसी नहीं लगती। वो उससे कहती भी है वो अब अच्छा बनने का नाटक ना करे। अब जब सभी को कुछ बॉक्स उठाने थे तो सन कहता है वो तो ये आसानी से कर लेगा, लेकिन बॉक्स उठाते ही नीचे से उसकी पैंट फट जाती है। रूम पर वापस आने पर टोंग वो से कहती है उसे भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। फिर वो याओ को कॉल करती है तो वो और उसके दोस्त उसका सामान ले आते हैं। जहाँ सन वो वही डॉक्टर लड़की इसका नाम सी है, तभी सन सी के साथ चला जाता है। जब याओ थका हारा जा रहा था तो उसे वांग रोकती है और पसीना पोंछने के लिए उसे रुमाल देती है। इसके बाद हम वू को देखते हैं जो कह रही थी उसे कल सर्जरी देखने हॉस्पिटल जाना है। वहीं हम वांग को देख पाते हैं जो याओ को ही याद कर रही थी। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां हम वू को देख पाते हैं जिसे हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए वो 6 बजे ही उठ जाती है और अपनी दोस्त को भी उठा लेती है। दरअसल वू को बुलाया नहीं गया था, वो तो अपने दोस्त का व्हाइट कोट पहन कर जाती है। वहीं हम सन को देखते हैं जिसे शायद सी का मैसेज आता है और अब वो उससे मिलना चाहता था। वहीं हम हॉस्पिटल में प्रोफेसर जू को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को 11 फ्लोर पर जाने को कहते हैं। तभी हम वू को देखते हैं जो चुपके चुपके आगे की ओर बढ़ रही थी और प्रोफेसर जू जो भी बता रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद जू सभी को लेकर लिफ्ट से जाते हैं तो वू को सीढ़ियों से जाना पड़ता है, वो भी 11 फ्लोर पर। वहीं जू सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि किसी की सीरियस कंडीशन होने की वजह से सभी को वापस जाना होगा और वहीं वू को हॉस्पिटल में गांव दिखता है। दूसरी तरफ सन सी से मिलने के तरीके ढूंढ रहा था और इसके लिए वो अलग अलग लोगों से बार बार बात किए जा रहा था। वहीं वो लगातार गांव का पीछा कर रही थी और वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है और गांव से डर कर उसे मार देती है, जिससे गांव के नाक से खून निकलने लगता है। वहीं सन का दोस्त एक लड़के को एनिमेशन कल्चर फेस्टिवल की टिकट देकर उसके बदले सन को अंदर जाने को कहता है और वो लड़का इसके लिए मान जाता है। वहीं वो गांव को डॉक्टर के पास लाई थी, जहां डॉक्टर उन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लेती है। वो और गांव कुछ कहते उससे पहले डॉक्टर चुप होने को कहती है। वहीं वो के दोस्त बाहर हॉटपॉट खाने आए थे और वो का ही वेट कर रहे थे। वो तो गांव के लिए दवाई ले रही थी। वो का फोन नहीं लगता तो सभी दोस्त खाना खाने लगते हैं। हॉस्पिटल में कोई मरीज आता है तो वो उसे देखने लगती है, इसीलिए गांव उसे पकड़कर बाहर ले आता है और वो उसे कहता है कि वो किसी का कोट लेकर ऐसे ही हॉस्पिटल में नहीं आ सकती है। यहां गांव सर्जरी की जानकारी वाली बुक वू को दे देता है, जिसके बाद दोनों हॉस्टल तो पहुँचते हैं लेकिन गेट बंद हो चुका था, इसीलिए गांव गेट पर चढ़ने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है ये गलत है। कोई रास्ता ना होने पर वो भी ऐसा ही करती है। तभी गार्ड उन दोनों को देख लेता है। वहीं याओ को गांव की याद आने लगी थी। वहीं गार्ड तो वो और गांव को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहा था, लेकिन वो उसे समझाती है तो वो दूसरे गार्ड को बताता है उसने 2 स्टूडेंट को पकड़ा है जो गेट से भाग रहे थे। कुछ देर में दूसरा गार्ड वहां आ जाता है। वैसे ही गोवा उसे साइड में ले जाता है तो वो सोचती है आखिर ये उस गार्ड से क्या बात कर रहा है। यहां वो दूसरे गार्ड से किसी तरह से डील कर लेती है और अपना नाम रजिस्टर से कट कर देती है। इसके बाद वो रूम में चुपके से आ जाती है। मॉर्निंग तीनों दोस्त उसे देर तक सोता हुआ देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के दोस्तों को और वू की दोस्तों को पता चल जाता है आखिर दोनों रात को कैसे लेट हुए थे। टोंग वू को मैसेज करके पूछती भी है क्या वो कल डेट पर गई थी। इसके बाद फिर से दोनों साथ में ही क्लास में आ जाते हैं। जब वू की तीनों दोस्त रूम में थी तब वो वू से कहती है कि वो सब कुछ सच बताए, आखिर उसके और गाँव के बीच क्या चल रहा है। वहीं हम गोवा के दोस्तों को भी देखते हैं जो उससे भी पूछ रहे थे कि उसका वू के साथ क्या चल रहा है। इधर वू जो भी हुआ उसके लिए अपने दोस्तों से माफी भी मांगती है। वांग उसे तुरंत ही माफ कर देती है। साथ ही वो कहती है वो गांव से कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती थी। वो कहती है जरूर ये सब गांव यांग ने किया है। गांव के दोस्त तो उसे लगातार परेशान किए जा रहे थे। जिसके बाद जब सभी दोस्त एक साथ जा रहे थे तभी उसके सामने वो की दोस्त आ जाती है और उसे अब भी गांव ही गलत लग रहा था, इसीलिए वो उसे वो से दूर रहने को कहती है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां वो ब्रश कर रही थी, तभी उसके दोस्त को आंखों में फेस वॉश लग जाता है तो वो उसे एक कपड़ा देती है, लेकिन उसके दोस्त देखती
रही है उस टावल से तो वो अपने पैर साफ कर रही थी। अब सभी क्लास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो का तो कहीं ध्यान लग ही नहीं रहा था। क्लास में भी वो कहीं खोई हुई थी जब प्रोफेसर यांग पढ़ा रहे थे। इसके बाद हम याओ को उसके रूम में देखते हैं। वो अपने बाकी दोस्तों से कह रहा था कि वो ड्रामा क्लब में जाएगा। इसके बाद जब सभी अपने बनाए प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे तो वो फिर से गाँव से टकरा जाती है। वो की दोस्त कहती है गलती से हुआ है, लेकिन सन उससे माफी मांगने को कहता है। यहाँ वो की दोस्त गाँव पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वही था ना जिसने प्रोफेसर को शिकायत करी थी। गाँव उससे कहता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से चला जाता है। क्लास में आने पर याओ तोंग के पास बैठ जाता है। गाँव को वो के पास बैठना पड़ता है। प्रोफेसर जू एक जोक मारते हैं, लेकिन किसी को भी हंसी नहीं आती। जब वो सभी को बताते हैं कि ये एक जोक था तो सभी क्लैपिंग करते हैं। क्लास में गाँव वो से बात करता है, लेकिन वो तो देखती तक नहीं। जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी वो तब भी बहुत उदास थी। उसके दोस्त बात कर ही रहे थे कि तभी वो तो अकेले ही आगे निकल जाती है। जब वो अकेले बैठे खाना खा रही थी कि तभी याओ उसके पास आता है और उससे बात करता है, लेकिन वो का ध्यान तो कहीं और ही था। याओ यहाँ प्रोफेसर गाँव के बारे में बताता है कि उनके क्लास में कोई लड़की नहीं थी। यहाँ वो तो कुछ तो पता लगाना चाहती थी। जिसके बाद जब याओ खाना खरीद रहा था तो उसे उसका कार्ड नहीं मिलता। तभी वांग ये देखती है तो पेमेंट कर देती है। याओ वांग को शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो उसे बहुत अच्छा खाना खिलाएगा। हम यहाँ वांग को देख पाते हैं जिसे याओ अच्छा लगने लगा था। वहीं हम वो को देखते हैं जो गाँव से बात करने आई थी। वो कहती है क्या सच में प्रोफेसर गाँव लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे? गाँव कहता है हाँ, और कहता है कि आज प्रोफेसर जू ने हार्ट के बारे में बताया था तो वो उसकी ही बात करने को कहता है। वो कहती है उसने एक क्लास मिस की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती। गाओ कहता है डॉक्टर बनने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, आगे आने वाली प्रॉब्लम से लड़ना भी है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इसके बाद जब वो की सभी दोस्त रूम में आती है तो हर तरफ बॉडी पार्ट्स की पिक्चर देखती है। वो अपने दोस्तों से कहती है वो मॉर्निंग से अपने सपनों को पूरा करना शुरू करेगी। कह रहे थे यहाँ वो की एक दोस्त कह रही थी कि वो ने उनके पूरे रूम को एक सर्जरी रूम बना दिया है। हर तरफ बॉडी पार्ट्स हैं। उसने तो छत को भी नहीं छोड़ा। तभी खाना खाते खाते गाँव का एक दोस्त तो बॉडी पार्ट्स की डिटेल में चला जाता है, जिससे सभी को अब अजीब लगने लगा था। इसीलिए बाकी दोस्त उसे चुप होने को कहते हैं। वापस रूम में आने पर वो तो और भी पार्ट्स लगा रही थी तो उसकी तीनों दोस्त उसे देखने लगती है। इसलिए वो चुपचाप पोस्टर हटा देती है, जिसके बाद उसकी दोस्त उसे एक चीज देती है और कहती है अगर उसने वो कर लिया तो वो सर्जरी भी कर सकती है। वहीं याओ और उसके दोस्त खाते हुए सर्जरी करना सीख रहे थे। एक दोस्त तो मजे से खा रहा था, लेकिन बाकियों को तो उल्टी आ जाती है। दोनों तरफ सभी की हालत खराब थी। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे थे तभी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट डे क्लास खत्म होने के बाद सभी जा ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर जू सभी को रोकते हैं और सभी को एक असाइनमेंट करने को कहते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि उसमें गर्ल्स और बॉय की अलग अलग टीम होगी और एक स्टूडेंट सभी चीजों की रिपोर्ट रखेगा। जहाँ याओ पूछता है क्या वो गर्ल्स की टीम में नहीं जा सकते, जू कहते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए याओ तो खुश हो जाता है। जिसके बाद जू सभी को लाइंस में खड़े होने को कहते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि प्रोफेसर गाँव के इंटर्नशिप में अच्छा काम करे। ये सुनते ही अब वो को टीम बदलनी थी। जू कहते हैं उसे जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कर सकती है। हम याओ को देखते हैं जो हाथ धोकर टोंग के पीछे ही पड़ा हुआ था। दरअसल जिसने टीम बनाई है वो किस क्लब में जाएगा ये उन्हें सोचना था और यही उनका असाइनमेंट था। वहीं हम गाँव के साथ उसके एक दोस्त को देखते हैं जो उससे कहता है कि उसे कॉमिक में इंटरेस्ट है। वो कहता है नहीं। उसका दोस्त कहता है फिर वो किसी क्लब में चलते हैं, लेकिन गाँव मना कर देता है। वहीं हम वो को देखते हैं जो याओ के पास आई तो उसे पता चलता है याओ तो ड्रामा क्लब में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम सी को देखते हैं जो कुछ पेपर दे रही थी लोगों को उनके क्लब में आने के लिए। तभी वहाँ सन आ जाता है और वो सी के क्लब में जाना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि वहाँ बस लड़कियां आ सकती है। लेकिन सन कहता है वो भी अच्छा काम कर सकता है, वो उसके ऊपर भरोसा करके देखे। वहीं हम याओ को देखते हैं जिस ग्रुप में उसे जाना था वहाँ जो लड़कियां थी वो उससे कहती हैं कि अगर वो गाँव को उनके क्लब में लाएगा तभी वो उसे वहाँ एंट्री देगी। जिसके बाद याओ सीधा गाँव के पास जाता है और उसे उसके साथ ड्रामा क्लब में चलने को कहता है, लेकिन गाँव मना कर देता है। जब टोंग और वांग साथ जा रही थी तो कुछ बंदे उन्हें उनके क्लब में आने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने साथ ले जाती है। तभी गाँव टोंग को कॉल करता है
है और मिलने को कहता है। वहीं याओ तो अपने एक दोस्त से कह रहा था वो गाओ से कहे कि वो ड्रामा क्लब में आ जाए। वहीं गाओ एक टीचर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि वो उस असाइनमेंट को ना दे जो उन्होंने किया है। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि डॉक्टर के लिए उन्होंने ड्रामा क्लब बनाया है ताकि वो खुश रह सके। दरअसल गाओ ये सब नहीं करना चाहता था। हम वो को देखते हैं जो उदास होकर रूम आती है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके बाद वो लाइब्रेरी में गाओ को ढूंढने आती है लेकिन उसे वहाँ वांग मिल जाती है। वहीं हम एक जगह टोंग और गाओ को एक साथ देखते हैं जहाँ टोंग गाओ से पूछती है कि उसे कोई अच्छा गिफ्ट मिला है आज तक। गाओ कहता है जब वो 16 साल का था तब उसके डैड ने उसे एक ह्यूमन बॉडी को जानने के लिए एक गिफ्ट दिया था। गाओ पूछता है कि उसका सपना क्या था जब वो 16 साल की थी। टोंग कहती है मॉडलिंग या डिजाइनर बनना चाहती थी वो। गाओ उससे पूछता है उसे कैसा लड़का पसंद है तो टोंग भी उससे कहती है उसे जैसी लड़कियाँ पसंद है। सीन कट होता है और हम याओ को देखते हैं जो सन को परेशान कर रहा था। दरअसल याओ उसे भी ड्रामा क्लब में चलने को कहता है लेकिन सन तो उसी के पास जाना चाहता था। वहीं गाओ टोंग से ज्यादा सवाल करने लगा था तो टोंग को अजीब लगने लगा था इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते हुए वो गाओ को देखती है जो कि उसका कॉफी कप देख रहा था। तब टोंग वो के साथ बैठी थी वो गाओ के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद वो और टोंग याओ के पास आती है जो टोंग से ड्रामा क्लब में चलने को कह रहा था। इसके बाद याओ फिर से सन को परेशान करने चला जाता है और वो अभी उसकी मॉम से बात कर रहा था। वहीं वो और टोंग उसके रूम में आ गए थे जहां आने पर उसकी एक दोस्त उनसे कहती है कि वो उनका फ्यूचर देखेगी कि आखिर आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सन याओ से कह रहा था वो यहां 200 लंच बॉक्स सेल करा दे वो उसकी बात मान लेगा। वो उसके दोस्त से कह रही थी वो मुसीबत में है उसकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वो पूछती है कौन तो वो कहती है वो खुद जिससे वो खुश होती है कि तभी उसे याओ का कॉल आता है और वो कोई ऐसी बात बताता है जिससे वो तो खुश हो जाती है। लेकिन टोंग थोड़ी उदास लगती है क्योंकि उसे अब गाओ पसंद था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। हम नेक्स्ट डे याओ को वो के साथ देखते हैं। याओ वो उसे कहता है कि वो उससे 100 लंच बॉक्स खरीद ले। यहीं एक बंदा सभी से पूछता है कि क्या कोई और भी ड्रामा क्लब में आना चाहता है तो वांग कहती है कि वो आना चाहती है। तभी कुछ बंदे पीछे से हंसते हैं। तभी याओ कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जीतेंगे तो वही। इसके बाद हम वो के दोस्त और गाओ को साथ देखते हैं कि तभी उन्हें याओ भी देख लेता है और उनके पास आकर उनसे कहता है क्या वो असाइनमेंट की बात करने आए हैं। गाओ कहता है हाँ। तभी याओ वहाँ टोंग को देखता है। वो घर में आती है तो उसे वांग से पता चलता है कि उसके सभी दोस्त बाहर गए हुए हैं। हम याओ को टोंग के साथ देखते हैं लेकिन टोंग तो उसकी कॉफी को पीने से मना कर देती है इसलिए याओ उसके लिए फ्लावर्स लाता है तो और टोंग गाओ को चिढ़ाने के लिए उस फ्लावर्स को किस कर देती है जिसके बाद गाओ और वो की दोस्त के बीच बहुत देर तक बहस चलती है क्योंकि गाओ बस लड़कियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हम रात को याओ को देखते हैं जो कि उस फ्लावर को काफी समय से देखा जा रहा था जिसके बाद तो गाओ उसे ड्रामा क्लब में ले ही जाता है। वहीं हम सन को देखते हैं जो सी के पास आया था। उसने 200 लंच बॉक्स का कैसे तो ऑर्डर ले लिया था। यहाँ वो उससे पूछता भी है कि आखिर वो आगे क्या करना चाहती है तो सी कहती है वो को भी अपने ग्रुप में ले आए। सन वो को बुलाता तो है लेकिन बात नहीं कर पाता। इसके बाद हम ड्रामा क्लब का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की सभी से कह रही थी कि कोई भी ड्रामा क्लब में नाटक नहीं करेगा जिसके बाद सभी उनके बारे में बताते हैं और फिर ड्रामा का एक डेमो दिखाते हैं जहाँ गाँव एक पेड़ बना था तो लड़कियों ने उसे पकड़ लिया था। टोंग उसके साइड में दूसरे पेड़ बनी थी जिसने उसे टच किया हुआ था। याओ कहता है ये क्या है। वहीं वो अपना क्लब बनाना चाहती थी लेकिन उनका की अप्रूव नहीं होता। इसके बाद हम वो और याओ को एक साथ देखते हैं जहाँ याओ बहुत दुखी था क्योंकि वो टोंग को पसंद करता था लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी इसीलिए याओ यहाँ वो से उसकी पसंदीदा चीजें पूछता है। वो कहती है उसे प्याज खाना पसंद है जिसके बाद वो सोचती भी है कि आखिर वो कैसे नजर रख सकती है टोंग पर। तभी एक जगह वो की दोस्त दूर याओ को देख लेती है कि वो उस पर नजर रखा था। इसके बाद हम ड्रामा क्लब का सीन देखते हैं जहाँ याओ तो बस टोंग को ही देखा जा रहा था। तभी उसके पास वो आती है और उससे कहती है कि वो खुद ही टोंग के ऊपर नजर क्यों नहीं रख लेता। वो कहता है कि वो एक लड़का है वो जल्दी पकड़ा जाएगा इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए। हम वांग को एक लड़के के साथ काम करता हुआ देखते हैं। वहीं गाँव तो एक ओल्ड लेडी के पास आया था कुछ सवाल पूछने। दरअसल वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वहीं वो टोंग को उसके साथ डिनर पर चलने को पूछती है और वो ये बात याओ को भी बताती है। याओ मॉर्निंग आधी नींद में कुछ खरीदने जाता है तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी कुछ ऑर्डर कर देती है और याओ गलती से उसका ऑर्डर ले जाता है और टोंग को दे देता है। लंच टाइम में टोंग सभी को ये बात बताती है लेकिन याओ को तो पता ही नहीं था उसने टोंग को क्या दे दिया था तो वो स्माइल कर रहा था। वहीं वो को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सन सी के लिए एक लंच बॉक्स लेकर आता है। सी को ये अच्छा लगता है जब वो
याओ के पास आती है तो वो कहती है वो उसकी और मदद नहीं कर सकती, लेकिन याओ तो उदास होने का नाटक करने लगता है। इसके बाद हम गाँव को वांग के साथ देखते हैं। वहीं वो याओ को बताती है कि टोंग कैफेटेरिया जा रही है, तो वो उसके पास जाता है कि तभी वो गलती से उससे टकरा ही जाता है। लेकिन जिस दीवार से वो टकराए थे वहाँ अभी अभी ही पेंट हुआ था, जिससे टोंग के कपड़े और याओ का हाथ गंदा हो जाता है। वापस आने पर याओ तो अपना हाथ धोने लगता है। रात को गाँव अपने दोस्तों से कहता है जिस तरह की चीजों को वो कहते हैं उससे लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती, इसलिए अब याओ दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है और साथ ही वो एक लेटर भी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था वो तभी से उसे पसंद करता है। वो लिखता है कि उसे पता भी नहीं चला और वो उसके प्यार में अंधा हो गया। जिसके बाद वो सभी के सामने टोंग को एक QR कोड स्कैन करने को कहता है। टोंग के साथ ही हम वांग को भी देखते हैं। टोंग तो स्कैन नहीं करती लेकिन वांग स्कैन करती है, तो वहाँ याओ ने टोंग के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। टोंग ये सब देख कर वहाँ से चली जाती है। वांग टोंग से पूछती भी है वो जवाब क्यों नहीं देती, तो टोंग कहती है वो दोस्त जरूर बन सकते हैं लेकिन उसने और कुछ नहीं सोचा। वही गाँव फिर से वो के दोस्त के पास आया था, लेकिन यहाँ वो जैसे ही अपनी रिपोर्ट दिखाता है उसे वो गुस्सा हो जाती है। वहीं वो भी सन के साथ बात करने आई हुई थी। दरअसल यहाँ पर गाँव और वो की सोच बिल्कुल ही एक जैसी थी। दोनों ही लड़के और लड़के के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो की दोस्त भी वहाँ से चली जाती है और सन भी, वहाँ सिर्फ वो और गाँव ही बचे हुए थे। इसलिए गाँव वो के पास आता है और उससे कहता है वो बस उसे कुछ सवाल करेगा, उसे बस आंसर देना है। गाँव पूछता है उसे क्या पसंद है, वो कहती है उसे तो सब कुछ ही पसंद है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ हम याओ को टोंग के साथ देखते हैं। यहाँ टोंग याओ से कहती है उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लड़का और लड़की की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती है। वहीं गाँव उससे कहता है उसके जवाब कुछ अलग थे, वो कहती है क्या ये उसकी प्रॉब्लम है। गाँव तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को सबको कुछ न कुछ लिखना था लेकिन वो तो कुछ भी नहीं लिख पाती। हम मॉर्निंग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ प्रोफेसर जू सभी को उनके स्कोर बताते हैं, जहाँ सबसे अच्छी टीम तो कोई नहीं बनी थी लेकिन वांग की टीम आगे थी और सेकंड में गाओ, याओ और वू की एक दोस्त का तो नाम ही नहीं आता और किसी ने तो खाली पेपर दे दिया था। दरअसल ये वू ही थी, वो क्लास में बता भी देती है वो जेंडर को लेकर कुछ लिखने वाली थी लेकिन उसे लड़कों और लड़कियों में कुछ समझ नहीं आया। प्रोफेसर जू कहते हैं कि जब एक डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो वो जेंडर नहीं देखता, इसीलिए वो परेशान ना हो। गाओ जब रूम में आता है तो सन सभी से कहता है कि उसकी मॉम वहाँ आ रही है, इसीलिए सभी को रूम का पूरा नक्शा बदलना पड़ता है। गाओ सभी को उनका काम बता रहा था कि सन की मॉम के आने पर कौन क्या क्या काम करेगा। सन की मॉम एक जगह उसकी फोटो लगा रही थी कि तभी वो उन्हें देख लेती है। सन की मॉम उससे पूछती भी है कि तभी वहाँ याओ आ जाता है और हमें पता चलता है सन ने अपनी मॉम को बताया हुआ था वो वहाँ पर बहुत फेमस है। याओ कहता है वो बहुत फेमस है इसीलिए किसी को नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन वो उन्हें इशारों में उसका रूम नंबर बता देती है। जब मॉम वहाँ से जाती ही है कि तभी किसी का फोन गिरने वाला था, लेकिन मॉम एक्शन करते हुए पकड़ती है और उसे की पॉकेट में फेंक देती है। सन के पास आने पर उसकी मॉम उसकी अलमारी खोलती है, उसके कपड़े निकालती है और उसे उसका रूम चेंज करने को कहती है, लेकिन सन मना करता है। तो उसका दोस्त जो कि टॉपर है सन की मॉम से कहता है कि वो 18 साल का कब का हो गया है। आर्टिकल 11 जनरल प्रोविजंस ऑफ द सिविल लॉ के तहत वो उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। वो कहती है वो उसकी मॉम है और उसकी छुपाई गई सारी चीजें वो बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ याओ आता है तो वो उसको भी डांटती है, जिसके बाद याओ और सन वहाँ से भाग ही जाते हैं और बीच में अलग हो जाते हैं। याओ को लगता है वो लड़कियों के रूम में गया है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। सारी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है, तभी वहाँ की सीनियर वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ ले जाती है, इसलिए वो और उसके दोस्त मॉम के पास आ जाते हैं। यहाँ सन की मॉम को दुखी देख कर उनसे कहते हैं सन बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। मॉम सन के दादा के बारे में बताती है और कहती है वो हमेशा चाहते थे कि सन एक डॉक्टर बने। वहीं हम सन को सी के साथ देखते हैं, उसका फोन नहीं लग रहा था इसलिए वो परेशान था। वो उससे कहता भी है उसे उसकी फिक्र है। सी उससे कहती है वो पहले जिम्मेदार बने। वहीं मॉम कह रही थी कि अगर वो काम नहीं करता अच्छे से तो उन्हें बुरा लगता है, उसकी फिक्र होती है वो क्या करेगा। वहीं सन सी से कहता है वो उसकी तरह जिम्मेदार बनना चाहता है। सन कहता है उसने उसका मेजर बदल लिया है, तो सी उससे कहती है वो वही करे जिसका उसे फ्यूचर में पछतावा ना हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। हम
सभी को देख पाते हैं जो सन की मॉम के पास आ गए थे। सन की मॉम यहाँ बताती है कि बचपन में उन्होंने सन को उसकी दादी के घर पर छोड़ दिया था क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल डॉक्टर बन गई थी, लेकिन एक दिन जब वो इसके पास गई तो सन ने उसे पहचाना ही नहीं, इसलिए अब वो उसके साथ रहना चाहती है। वहीं सन सी से कह रहा था वो अपना मेजर चेंज कर लेगा उससे मिलने के लिए, लेकिन सी उससे कहती है वो ऐसा ना करे, वो वही करे जिसका उसे फ्यूचर में पछतावा ना रहे। याओ को भी वो लेडी छोड़ देती है जिसने इसे पकड़ा था। तभी सन अपनी मॉम के पास आ जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से चले जाएगा। यहाँ जाने से पहले सन की मॉम को एक टीचर से बात करनी थी, लेकिन गाओ बताता है कि उनके रूम पर लॉक लगा हुआ है, जिसके बाद सभी दोस्त सन को लेकर खाना खाने आ जाते हैं। जहाँ सभी सोच रहे थे कि आखिर वो सन की मदद कैसे करेंगे, यहाँ सन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसके हाथ में एक चाबी थी जिसे वो दूर पानी में फेंक देता है। नेक्स्ट डे जब सन अपनी मॉम के साथ बैठा था तो उसकी मॉम उसकी बचपन की बातें करती है। तभी सन मॉम से कहता है वो वापस से डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती। मॉम कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर हम या और तोंग को देखते हैं जो लड़ रहे थे। सन और उसकी मॉम उन्हें देख रही थी। दरअसल ये उनका प्लान था सन को सपोर्ट करने का। जैसे ही सन मॉम के साथ बाहर जाता है तो उसका एक दोस्त उसे रोकता है और उसकी मॉम से कहता है कि उन्हें नहीं पता, लेकिन सन ने हर मॉर्निंग उसे जल्दी उठाया है और वो हर शाम लाइब्रेरी जाता है। जब वो जा ही रहा है तो उसे लाइब्रेरी की सीट दे दे। लाइब्रेरी आने पर मॉम बहुत सी बुक्स देखती है। बाहर आने पर वो की दोस्त सन के पास आती है और उससे पूछती है अब वो किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये उनका रूल था, जिसके लिए वो एक पेपर पर उसके सिग्नेचर करवाती है। आगे जाते ही गाओ उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़कर खुद को मारता है और कहता है उसने उसकी एक बार मदद करी थी, कई लोगों से बचाया था, उसे तकलीफ हुई थी, वो इसीलिए खुद को मार रहा था। यहाँ मॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, साथ ही सन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी सभी दोस्त उस जगह पर आ जाते हैं और सन को उनके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। आने के साथ ही वो सन से उसका वॉलेट मांगती है और कुछ पैसे निकाल कर सभी को बांट देती है और कहती है कि उनके पास उसके पैसे हैं, इसलिए वो उन्हें भूले ना और कॉल करते रहे। ये सब देखकर सन की मॉम इमोशनल हो गई थी। सन जाने लगता है तो सन की मॉम उससे कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो उसे अब नहीं रोकेगी। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और रात को सभी साथ डिनर करते हैं और साथ ही ड्रिंक भी करते हैं, जिसके बाद सभी छत पर आ जाते हैं जहाँ कोई उल्का पिंड गिरने वाला था। सभी उसको देख कर विश करने वाले थे, इसलिए सभी उल्का पिंड की ही बात कर रहे थे। बहुत देर तक जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो तोंग सभी को वापस चलने को कहती है। सब जा ही रहे थे कि याओ कहता है वो देखो उल्का पिंड गिरने लगे। वो तो बिना सोचे तेजी से विश कर देती है कि वो प्रोफेसर गाओ की पहले फीमेल स्टूडेंट बने। सभी वो को ही देख रहे थे। गाओ कहता है धीरे से ये कोई उल्का पिंड नहीं है। नेक्स्ट डे सन की मॉम वापस जा रही थी और वो थोड़ी इमोशनल भी थी क्योंकि वो फिर से अपने बच्चे से दूर जाने वाली थी। यहाँ वो सभी से मिलती है लेकिन तोंग से नहीं मिलती और वहाँ से चले जाती है। रात को प्रोफेसर जू कुछ काम कर रहे थे कि उन्हें परेशान करने यांग वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद हम ड्रामा क्लास का सीन देखते हैं जहाँ याओ वो का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी कोई वहाँ की लाइट बंद कर देता है, जिसके बाद यहाँ वो की दोस्त सभी को एक कहानी बताती है और कहती है शायद वो सच है। वो बताती है कि जहाँ सर्जरी होती है उस बिल्डिंग में एक रूम है जहाँ सभी का जाना मना है, लेकिन एक दिन एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ चला गया और उसने कुछ तो अजीब देखा और वो बेहोश हो गया, वो डरा हुआ था। तभी वहाँ किसी के कदमों की आवाज आ जाती है और सभी डर जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो तैयार होकर याओ के पास आ गई थी। याओ उसके लिए एक क्रिस्टल बॉल लाया था और अजीब हरकतें कर रहा था, इसलिए टोंग वापस जाने लगती है और ये सब वांग भी देख रही थी। वो सी के पास भी आती है। वहीं हम सन और उसके साथ वो की उसके दोस्त को देखते हैं जिसने कहानी सुनाई थी। वो अजीब से कपड़े पहन कर आई थी, दरअसल उसे लगता है कि वहाँ कोई भूत है। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं, तभी उसके पास गाओ भी आ जाता है और उससे कहता है वो हर काम अकेली नहीं कर सकती, जिसके बाद वो कहता है कि जल्दी लाइट बंद होने वाली है और सच में कोई लाइट बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों बिजली के तार का पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ काम चलने की वजह से बिजली कटी जा रही है। वहीं क्यू सिंह और सन को पता चलता है कि वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि उस रूम में जू काम किया करते थे। प्रोफेसर जू उन्हें देख न ले इसीलिए वो वहाँ से एक जगह छिप जाते हैं और इस वक्त दोनों बहुत ज्यादा करीब थे। जिसके बाद जब वो और गाओ वापस आ रहे थे तो वो गेट पर सन और सिंह को देखते हैं। नेक्स्ट डे सिंह प्रोफेसर जू के पास आती है और कहती है वो रात भर क्या करते हैं और पूछती है रात को क्या हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि यांग और जू दोनों साथ में थे।
थे और ज़ू फिर से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सिंह पूछती है कि अगर वो यही काम कर रहे थे तो जो एक बार गार्ड वहाँ आया था वो डरा क्यों था। ज़ू कहते हैं कि उसने बस तेज लाइट देखी और वो डर गया। लेकिन इसके बाद भी सभी रात को उसी हॉल में आते हैं। सभी को लगता है लाइट बंद होगी पर नहीं होती, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी फिर से लाइट बंद हो जाती है और इसी दौरान गाँव के पैरों में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग को गाँव के दोस्त के साथ देखते हैं। वो उससे किसी एसोसिएशन के बारे में पूछ रही थी, तभी यावा कुछ और ही समझ लेता है। उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। वहीं गांव से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो उसके लिए दवाई भी लाती है और उसके चोटों पर लगाती है। गांव तो बस उसे देख रहा था, जिसके बाद वो उसे खाने के लिए भी पूछता है। वहीं हम वांग को देखते हैं जो अकेले बैठे रो रही थी। वो नहीं चाहती थी याओ ऐसा सोचे उसके बारे में, क्योंकि वो याओ को पसंद किया करती थी। वहीं गांव और वो साथ बैठकर उनका खाना खाते हैं। जब वो छत पर आती है तो उससे एक ट्रॉफी टूट जाती है, जिसके लिए गांव उस पर बहुत गुस्सा करता है। वापस आने पर भी वो को नींद नहीं आती। उसे गांव की फिक्र हो रही थी और वो सोच रही थी आखिर वो अचानक इतना गुस्सा क्यों हुआ। मॉर्निंग वो खुश थी क्योंकि प्रोफेसर गांव वहां आने वाले थे। क्लास में जब प्रोफेसर गांव आते हैं तो वो देखते हैं उनका बेटा लेट है, तो वो उसे लेट आने पर उसे डांटते हैं। यहां गांव भी उनसे कह देता है उसे उनकी क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ ही वो कुछ घर की बातों का भी जिक्र कर देता है, जिसके चलते प्रोफेसर गांव वहां से चले जाते हैं। यांग और ज़ू उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती, जिससे यांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ज़ू उन्हें शांत होने को कह देता है। जब दोनों लड़ रहे थे तो वो के और गांव के दोस्त उन्हें चुप कर देख रहे थे, जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर यांग ज़ू के ऊपर गुस्सा करने के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद हम एक लैब का सीन देखते हैं जहां सारे दोस्त आए हुए थे। तभी यहां याओ को एक बोतल मिलती है, उसे लगता है वो पानी है। वो उसे तोंग को दे ही रहा था कि उससे पहले वो उसे पी लेती है और तभी वो को कुछ होने लगता है। याओ को पता चलता है उस बोतल में अल्कोहल थी। इसके बाद हम छोटी वो को देख पाते हैं जो उसके स्कूल में थी और वहाँ बहुत से बच्चे उसे बुली कर रहे थे। इसके बाद वो की आँख छत पर खुलती है जहाँ उसके पास प्रोफेसर गांव की फोटो थी और उसे सिर पर चोट लगी हुई थी, जिसके बाद वो उसके रूम में आ जाती है। तो उसके दोस्त उससे पूछती है कि वो कहाँ थी। वो अपने दोस्तों से पूछती है आखिर रात को क्या हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता रहे थे। जब क्लास के लिए वो सभी जा रहे थे तो वो कोशिश कर रही थी याद करने की आखिर उसने क्या किया था रात को। जब गांव के दोस्त और गांव वहां आते हैं तो वो को देखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब सभी को रेस्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था तो हम वांग को देखते हैं, जिसे ये करते वक्त वो मेट आ जाती है, जिसके बाद वो उसे सी के पास लाती है जहां से जब वो वापस आ रहे थे तो वांग गलती से रात के बारे में बात करने लगती है। तो वो पूछ ही लेती है आखिर रात को क्या हुआ था, जिसके बाद वो को उसके सभी दोस्त बताती है। नशे में होते ही उसने सबसे पहले तोंग के बैग में वोमिट कर दी थी, जिसके बाद कैसे तो सभी उसे हॉस्पिटल लाए। वहां आकर जैसे ही वो प्रोफेसर गांव की फोटो देखती है उनसे बात करने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर के पास आने पर उसके सभी दोस्तों को उसे पकड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता। तभी उसे गांव पकड़ता है और गांव को पास देख वो भी शांत हो जाती है, जिसके बाद वो को वापस ले आते हैं। वो पूछती है आगे क्या हुआ, लेकिन उसके दोस्त को पता ही नहीं था कि आगे क्या हुआ। वो याओ और सन के पास आती है तो सन कहता है कि जरूर उसके और गांव के बीच कुछ हुआ है। यहां दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद वो गांव के पास भी आती है, लेकिन वो कहता है उसे कुछ याद नहीं। वो को एक जगह सीसीटीवी कैमरा दिखता है तो वो उसकी फुटेज देखने जाती है और देखती है कि रात को वो गांव के साथ थी और वो उसके बहुत ज्यादा ही करीब आ गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा एम्ब्रेसिंग फील करती है। दोनों किस करने ही वाले थे कि वहां गार्ड आ गया था, जिसके बाद वो बिल्डिंग के छत पर आ गई थी और प्रोफेसर गांव की फोटो को देख उनसे बात कर रही थी। वहीं हम वो को देखते हैं जो ये सब सोचकर काफी ज्यादा एम्बैरस हो रही थी और कैसे तो अपने दोस्तों के पास आती है और आकर बिना किसी से बात करे ही सो जाती है। गांव के दोस्त तो उसे परेशान कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम क्लास में देखते हैं प्रोफेसर ज़ू एक एग्जाम करवाते हैं, जिसमें वो दो टीम बनाते हैं, एक मरीज की टीम और एक डॉक्टर की टीम, जिसमें मरीज सवाल करेगा और डॉक्टर कैसे जवाब देता है ये देखना था। वांग उसे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहती, वो टाइप करके जवाब देती है। ज़ू जब ये देखते हैं तो वांग बहाना बनाकर कहती है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बोल नहीं पा रही। ऐसे ही सभी अपनी परेशानी ला रहे थे, तभी गांव वो के पास आता है और वो भी टाइप करके वो को बीमारी बताता है और वो टाइप करके उसका जवाब देती है और फिर गांव हाथ आगे बढ़ाता है और वो चेक करती है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।